बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 08 08 इकानो मैट्रिक्स टॉपिक 13.6 इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन of the stochastic error term। हम असल में किस चीज़ को error term को जो हम specify करते हैं उसमें क्या गलती होती है या calculate करते हैं, हम एरर टर्म को डायरेक्ट ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। एरर टर्म को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, और इस तरह फिर हमारे पास कोई ईजी वे नहीं है कि हम एरर टर्म का जो फॉर्म है वो मालूम कर सकें। और इसी तरह जो बुक ने प्रीवियस एग्ज़ाम्पल या प्रीवियस इक्वेशन लिए हैं, लाइक 13.2 में असल क्या वो लिया गया था, y इज़ इक्वल टू bixiui, दिस इज 13.28 इक्वेशन, एंड y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा xi प्लस यू आई, दिस इज 13.29। अब हमारे पास कंफर्म कोई भी मेथड नहीं है कि हम मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव फॉर्म यूज़ करें, तो इस वजह से क्या फिर हमारे पास मॉडल में कोई इंटरसेप्ट भी नहीं है। हम अब जब कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या एरर टर्म फ्रॉम थ्रू ओएलएस किस चीज़ का 3.8 का, तो एजम्पशंस क्या है वो सेटिस्फाइड कर लेती हैं, कौन सी एजम्पशंस ऑफ ओएलएस आर assumption of OLS वो होल्ड कर लेती है अगर हम 13.8 के लिए भी यूज़ करें। लेकिन 13.8 में क्या है, हमारे पास जो फॉर्म है वो फॉर्म किस चीज़ में है, वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है एरर टर्म का, और नो इंटरसेप्ट, सेकंड में भी इंटरसेप्ट नहीं, लेकिन एरर टर्म क्या एडिटिव फॉर्म में है। अब मसला क्या है कि करेक्ट मॉडल कौन सा, इनकरेक्ट मॉडल कौन सा है। अब अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या ये करेक्ट मॉडल है या ये मॉडल हम यूज़ करते हैं हमने सही कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, ये मॉडल हम जो एजम्पशंस मालूम करना चाहते हैं किस चीज़ की यू आई की, जो कि किस चीज़ के बराबर, नॉर्मल कोवेरियंस ज़ीरो एंड सिग्मा जो वेरियंस है वो कांस्टेंट है, तो इस मीन के वो सारे एजम्पशंस को होल्ड करता है ऑफ़ ओएलएस। अब ओएलएस के एजम्पशंस तो होल्ड कर रहे हैं, हम किस बेस पे कर रहे हैं, यूआई को नॉर्मलाइज करने के लिए जो फॉर्म दिया गया है कि यूआई हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं इस मॉडल से, वो किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर ई की पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1। अब इस को नॉर्मलाइज करने के लिए हम फिर क्या, या एक यही फॉर्म दिया गया है, द सेकंड जो हमारे पास असल एक्सपेक्टेड अल्फा किस चीज़ के बराबर होगा, बीटा इनटू ई की पावर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन हमारे पास मेन क्या चीज़ है कि हमारे पास ये मॉडल क्या है, इस मॉडल की अब इन इनकी डिस्कशन से बेस्ट क्या, अगर हमारे पास ये बीटा क्या हो वो एस्टिमेटेड थ्रू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उनके एजम्पशन वो होल्ड करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो करेक्ट स्पेसिफिकेशन है ऑफ एरर टर्म, हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो हम बेस किस चीज़ पे करते हैं, पैरामीटर्स पे, कि अगर पैरामीटर्स क्या है, अगर हमारे पास जो अल्फ़ा नाट या एक्सपेक्टेड अल्फ़ा है वो क्या हो, वो बायस एस्टिमेटर हो, फिर हम क्या करते हैं, और वो इक्वल ना हो ट्रू
बीटा के बराबर, ट्रू बीटा के बराबर। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास ये स्पेसिफिकेशन एरर होती है, और वो स्पेसिफिकेशन एरर हम किधर, इसको फिर हम नॉन लीनियर पैरामीटर चैप्टर में अगर पढ़ा तो उसमें हम इसको कंफर्म करेंगे कि फिर वो डिफरेंशिएशन ऑन बेस किस चीज़ पे करेंगे, वो हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर एक चैप्टर है, लेकिन वो हमारे पास इंक्लूड नहीं है इन द आउटलाइन।